हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है होनिंग, लैपिंग और बफिंग। होनिंग प्रोसेस, लैपिंग प्रोसेस और बफिंग प्रोसेस, ये तीनों जो प्रोसेस हैं, ये हम अपने वर्कपीस से या फिर अपने मेटल से हम मटेरियल रिमूव करने का काम करते हैं, या फिर ये कहा जाए कि सरफेस फिनिशिंग का काम करते हैं। होनिंग प्रोसेस भी मेटल रिमूव करता है, लैपिंग भी मेटल रिमूव करता है और बफिंग भी मेटल रिमूव करता है। तीनों का मेथडोलॉजी अलग है, तीनों के कंपोनेंट्स अलग हैं और तीनों के वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे आज की वीडियो में आपको तीनों चीज का मतलब समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, काफी यूजफुल है और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। होनिंग प्रोसेस की बात करूं और यहाँ पे अगर मैं लैपिंग प्रोसेस की बात करूं और यहाँ पे मैं बफिंग प्रोसेस की बात करूं, इन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज है एब्रेसिव मटेरियल। एब्रेसिव मटेरियल यानी कि आपको पता होगा जो ग्राइंडिंग व्हील होती है, ग्राइंडिंग व्हील में जो वहां पे एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़े होते हैं या उसमें बॉन्ड बना के रखे होते हैं, वो एब्रेसिव पार्टिकल की बॉन्डिंग के कारण ही हमारा मेटल रिमूव होता है। क्योंकि एब्रेसिव मटेरियल्स हमारे कई प्रकार के होते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है, डायमंड होती है, सीबीएन होती है, बहुत सारे ऐसे हमारे मटेरियल्स होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एब्रेसिव। एक ग्राइंडिंग व्हील के अंदर छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील है, इस व्हील पे बारीक बारीक छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़े होते हैं, या फिर ये कहा जाए एब्रेसिव पार्टिकल की यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पे जो टूल है, यानी कि जिस टूल से हमको यहाँ पे मेटल रिमूव करना है, उस टूल पर एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़ा हुआ है, या फिर ये कह सकते हैं कि वो ग्राइंडिंग नेचर का है। तो यहाँ पे लैपिंग पे और साथ ही साथ हमारा बफिंग पे हम यूज करते हैं एब्रेसिव पार्टिकल का। चलिए पहले प्रोसेस की बात करते हैं, होनिंग प्रोसेस की। ये मेरा कॉलम है, ये मेरा आर्म है, ये मेरा बेस है। सबसे पहले हम आउटर शेल्स को देखते हैं, देन उसके बाद हम इंटरनल फिगर पर आते हैं। कॉलम में बेसिकली हमारा सारा ड्राइव मैकेनिज्म होता है। ड्राइव मैकेनिज्म यानी कि पुलीज, गियर, मोटर ट्रांसमिशंस, ये सारी चीजें जो होती हैं ये कॉलम के अंदर होती हैं, जो कि इसको यहाँ पे फीड देने का काम करती हैं। यहाँ पे आर्म लिखा हुआ है, इसी को हम रैम भी बोलते हैं। बेसिकली आर्म हमारा क्या कनेक्ट होता है, ये हमारा होनिंग हेड से। होनिंग हेड हमारा स्पिंडल को कैरी करता है, स्पिंडल, और स्पिंडल से कनेक्ट होता है हमारा वर्क टूल। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा टूल है, तो ये जो टूल है इसी टूल में कनेक्ट है हमारा स्पिंडल, और ये स्पिंडल कनेक्ट है हमारे होनिंग हेड से। होनिंग हैंड हमारा रेसिप्रोकेट करता है, अप एंड डाउन हमारा वो मूवमेंट होता है। तो होनिंग हैंड आपको समझ में आ गया होगा, स्पिंडल से हमारा कनेक्ट है टूल, और इसी टूल पर हमारा लगा होता है एब्रेसिव पार्टिकल्स। आप ये जो देख रहे हैं ये वाली पार्ट, यही मेरा क्या है, एब्रेसिव पार्टिकल्स। ये मेरी एब्रेसिव पार्टिकल्स की टूल बनी होती है, ये टूल मेरी एब्रेसिव पार्टिकल्स, ये वर्कपीस है मेरा। यहां पे आप देख सकते हैं ये मैंने वर्कपीस लिख के रखा है। जब ये टूल इसके अंदर जाएगी तो यहां पे जो भी यहां पे रफनेस होगी उसको वो फिनिश कर देगी। बेसिकली होनिंग एक इंटरनल सिलेंडर बनाने का काम करता है, या फिर ये कहूं कि इंटरनल बोरिंग करने का काम करता है, क्योंकि होनिंग प्रोसेस में किसी भी तरीके का बाहरी यहां पे सरफेस फिनिश नहीं होता है। जो फिनिशिंग होती है वो इंटरनल होती है, यानी कि इनसाइड होती है, किसी भी वर्कपीस के अंदर होती है। तो होनिंग हमारा यहाँ पे हुआ, और हमारे होनिंग टूल पे, यानी कि जो टूल था मेरा, उस टूल पे हमारी एब्रेसिव पार्टिकल्स जुड़ी होती है, जिसके मदद से होता यह कि वहां के अंदर की जो भी रफनेस होगी इस वर्कपीस के अंदर, वो वहां से फिनिश हो जाएगी या फिर मटेरियल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे टेबल है, ये टेबल के नीचे मेरी यहाँ पे एलिवेटिंग स्क्रू लगी हुई है। ये मेरी एलिवेटिंग स्क्रू है। एलिवेटिंग स्क्रू बेसिकली इसको वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन मूवमेंट देता है, क्योंकि हमको वर्क पीस की यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होती है। तो हम क्या करते हैं, टेबल को अप डाउन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिवेटिंग स्क्रू। और यहाँ पे बेस है, जो बेस पे ही इन सारी चीजों का यहाँ पे कैरी होता है, यानी कि जितनी भी यहाँ पे लोड होती हैं, जितनी भी यहाँ पे कंपोनेंट्स होती हैं, वो सब हमारी बेस पे अटैच होती हैं। और बेस हमारा बेसिकली मेड अप ऑफ होता है, यानी कि जो बना होता है वो मेरा जनरली कास्ट आयरन से बना होता है। कास्ट आयरन से इसलिए बना होता है क्योंकि आपको मालूम है कास्ट आयरन हमारा एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी का है। एब्जॉर्बिंग मतलब लोड एब्जॉर्बिंग, साथ ही साथ वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग। ये सारी चीज जब चलेगी, मैकेनिज्म चलेगा, ड्राइव्स चलेंगी, तो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वाइब्रेशन क्रिएट होने के कारण बेस हमारा कास्ट आयरन का अगर बना होता है, तो कास्ट आयरन वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने का उसकी टेंडेंसी होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है कास्ट आयरन की। चलिए, आई होप आपको होनिंग समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज अवर लैपिंग। लैपिंग प्रोसेस का सबसे पहले यहां पे शब्द समझते हैं। लैपिंग का मतलब होता है लैप करना, यानी कि एक मेटल अगर दूसरे मेटल पीस के ऊपर रखा हुआ है, दैट इज अवर लैपिंग। आपको मालूम होगा आप लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट वेल्डिंग के दौरान करते हैं, वहां पे भी जो लैप ज्वाइंट यूज होता है, वो लैप ज्वाइंट का मतलब ये होता है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर हमको ऐसा जोड़ना हो, दैट इज अवर लैप ज्वाइंट। बट ज्वाइंट हमारा आमने सामने जोड़ते हैं, अगर दो प्लेट को आमने सामने जोड़ा जाए या फिर दो प्लेट को ऐसा जोड़ा जाए, तो यहां पे इस प्रोसेस को हम बट ज्वाइंट बोलते हैं। तो लैपिंग हमारा जो शब्द कहीं ना कहीं निकल गया है, वो यही निकल गया है कि दो प्लेट को हमको आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहां पे जो काम होती है, जोड़ने के लिए यहां पे जो प्रोसेस अपनाई गई है, यहां पे भी हमने एब्रेसिव मटेरियल की हेल्प से यहां पे हम लैपिंग प्रोसेस करते हैं। लैपिंग प्रोसेस
यहां पे मटेरियल रिमूव भी करेगा, सरफेस फिनिश ही करेगा। कौन सी सरफेस फिनिश? तो यहां पे दो लैप दिख रही हैं, आप देख सकते हैं यहां पे लोअर लैप लिखा हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है ये मेरा लोअर लैप है, और ये वाला जो हिस्सा है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा है ये मेरा अपर लैप है। जब लोअर लैप और अपर लैप के बीच में यहां पे जब हम रब करवाएंगे, इन दोनों के बीच में यहां पे हम जब फिनिशिंग करेंगे, जब घर्षण करवाएंगे, तो यहां पे इन दोनों की सरफेस फिनिश होगी। बट कैसे? इन्हीं दोनों के बीच में हम लूज एब्रेसिव पार्टिकल डालते हैं। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये मेरा क्या है, लूज एब्रेसिव पार्टिकल। यहां पे आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे मेरे लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं, ये लूज एब्रेसिव पार्टिकल्स जब दोनों प्लेट के बीच में या फिर दोनों वर्कपीस के बीच पर जब आएंगे, तो होगा ये कि इन दोनों के बीच में कांटेक्ट में होने से रबिंग होगी, और रबिंग होगी तो ये सरफेस फिनिश हो जाएगा और मेरा यह वाला सरफेस फिनिश हो जाएगा, यानी कि लोअर लैप और अपर लैप दोनों सरफेस फिनिश हो जाएंगी। यहां पर हम लैपिंग प्रोसेस की मदद से ये हम करते हैं कि यहां पर हम बीच में लूज एब्रेसिव पार्टिकल डालते हैं। लूज एब्रेसिव पार्टिकल डालने से होता यह कि इन दोनों के बीच में सरफेस फिनिश हो जाती है। इन दोनों को बनाए रखने के लिए, यानी इन दोनों को कॉन्टेक्ट बनाए रखने के लिए, हमने यहां पे एक चीज यूज किया है, दैट इज अवर वर्क होल्डर। एक प्रकार से एक क्लैंप है जो कि इन दोनों को पकड़ के रखता है, और ये रोटेट होती हैं। यहां पे रबिंग ऐसे ही नहीं होती है, यहां पे रबिंग ये रोटेटरी पार्ट में होती है, यानी कि ये रोटेट होती है। तो आपस में जब ये रोटेट होती है, एक चक्री के समान आप समझ लीजिए, जब आपस में रोटेट होंगी, यहां पे लूज एब्रेसिव पार्टिकल बीच में डली हुई है और इन दोनों को आपस में एक क्लैंप करके रखा हुआ है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, दैट इज अवर बफिंग प्रोसेस। बफिंग प्रोसेस, यहां पे हमारा एब्रेसिव पार्टिकल तो यूज होता है, लेकिन यहां पे हम कहीं ना कहीं एक लूज फैब्रिक क्लॉथ का यूज करते हैं, यानी कि एक कपड़े के समान हम यहां पे फैब्रिक क्लॉथ यूज करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये आप कपड़े के समान एक फैब्रिक क्लॉथ है, और इस फैब्रिक क्लॉथ में लार्ज अमाउंट में एब्रेसिव पार्टिकल्स चिपके होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बफिंग पेस्ट लिखा हुआ है। ये जो पेस्ट है, ये पेस्ट बेसिकली उस फैब्रिक क्लॉथ और हमारे एब्रेसिव पार्टिकल्स, यानी कि जो लूज एब्रेसिव पार्टिकल छोटे छोटे जो कण है, इस कण को वो बनाए रखने के लिए हमने यूज किया है बफिंग पेस्ट का। बफिंग पेस्ट हमारा उस एब्रेसिव पार्टिकल्स को वहां पे चिपका के रखता है, होल्ड करके रखता है, और ये एब्रेसिव पार्टिकल्स जब स्ट्राइक करवाएंगे, यानी कि जब यहां पे स्ट्रोक होगा हमारे इस वर्कपीस पर, तो यहां से सरफेस फिनिश हो जाती है। यहां पे हमने बफिंग का एक और नया तरकीब निकाला कि फैब्रिक क्लॉथ का यूज करके हमने उस पे एब्रेसिव पार्टिकल्स को वहां पे जोड़ दिया, यानी कि उसमें हम लार्ज अमाउंट में हम उस पे फिल अप कर देते हैं, और जब ये रोटेट होगा, तो रोटेट होने से होगा ये कि इन दोनों का जब कांटेक्ट होगा वर्कपीस, तो यहां पे मेरी सरफेस फिनिश आसानी से हो जाएगी। यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि एब्रेसिव पार्टिकल का हमने यूज किया है। एब्रेसिव मटेरियल्स क्या होते हैं, ऑलरेडी इसकी वीडियो मैंने दे दी है। अगर एब्रेसिव मटेरियल पढ़ना चाहते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वाली वीडियो जरूर देख सकते हैं। आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक शुक्रिया, जय हिंद, बाय बाय।